उत्तराखंड के दुमका में एलपीजी से भरा टैंकर रोड पर खड़ी बस से टकराकर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद उसमें आग लग गई और पूरा इलाका मिसाइल जैसे धमाके से दहल गया। टैंकर में सवार चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आसपास खेतों में काम कर रहे कई ग्रामीण भी आग की चपेट में आकर झुलस गए। लोगों का कहना है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि बस के साथ कई घर और सड़की के किनारे खड़े पेड़ खाक हो गए। घटनास्थल से 500 मीटर दूरी पर स्थित हाई टेंशन लाइन का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। हालांकि पुलिस एक मौत होने की बात कह रही है।